आप मेरे गार्डन का ये एक कॉर्नर देख रहे हैं। बरसात के बाद इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, घास काफ़ी बढ़ गए हैं, ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में ये लॉन हमारा सेवियर बन जाता है, तो इसके ब्यूटिफिकेशन का काम मैंने शुरू कर दिया है और आपसे अपनी इस जर्नी को शेयर करूँगी। नमस्कार, मैं आरती, होम डेकोर से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स पर वीडियो बनाती हूँ। स्वागत है आपका आरतीज वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिज़ाइन में। सबसे पहले लॉन के घास की कटाई की गई और साफ करने के बाद यह कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ हम व्हाइट समोसन तैयार कर रहे हैं जिससे पेड़ों को कलर करेंगे। इसे अच्छे से घोलने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर घोला जाता है। मैं यहाँ रेड समोसन घोल तैयार कर रही हूँ। तनी पर व्हाइट बैकग्राउंड देकर रेड से हम हाफ तना कलर करेंगे। यहाँ मैं व्हाइट बुद्धा रखने वाली हूँ, तो पीछे रेड कलर होने से वो अच्छी बैकग्राउंड देगा, दूर से विजिबल भी होंगे। अब बुद्ध भगवान के प्लेसिंग के लिए यहाँ हमने ईंटों से एक हाइट क्रिएट की है, इसे भी व्हाइट कलर में ही पेंट करेंगे। नीचे की बजरी या पथरी को भी व्हाइट पेंट कर रहे हैं, इससे यह जगह क्लीन दिखेगी और जगह प्रोमिनेंट बनी रहेगी। मेरे गार्डनर भूपेंद्र की बेटी मजे से हमारा काम और धूप दोनों एंजॉय कर रही है। बुद्धा की यह बड़ी मूर्ति मैंने बिना पेंट किए ही खरीदा था, इससे मुझे सस्ती पड़ी थी। अब इसे मैं वाइट पेंट कर रही हूँ। चलिए अब बुद्धा सेटअप तैयार करते हैं। मेरे कंप्यूटर टेबल का यह सेल्फ टूट गया था, उसे ही यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। मिलिए मेरे दूसरे सहायक विनोद से। विनोद और भूपेंद्र के बिना मैं ये गार्डन कभी मैनेज नहीं कर सकती। मैं हमेशा ही उनकी आभारी हूँ। बड़ी मेहनत से हम रोज ही अपने बगीचे को सजाते संवारते हैं। मेरे से तो क्या ही जाएगा ये अंदर। एक इंच नहीं टसका। ये मुड़ जाएगा। आगे इस छड़ को मोड़ने का काम वापस भूपेंद्र ने संभाला। यहाँ इसे हमने ऐसी शेप दे दी ताकि इस पर कुछ भी हैंग किया जा सके। जंग से बचाने के लिए इस पर भी व्हाइट पेंट कर रही हूँ। और मेरा मिशन कंप्लीट होता है। कुछ लाइट्स, एक क्विक लुक गार्डन का यह पार्ट पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य हैं। अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ी रह सकूं। लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।